इतने खुश हो जाते हैं कि फर्क छोड़ देते तो यह हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही आप है आप गौर से सुनिए नफिल की अहमियत गौर से सुनिए नबी फरमाते हैं और बुखारी की रिवायत अल्लाह फरमाता है खुद सी है अल्लाह तला फरमाता है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं क्या फरमाया अल्लाह ताला? जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उसके खिलाफ एलान जंग कर देता हूं मतलब जो अल्लाह के वली होते और यकीन अल्लाह के वली होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं याद रखिए अल्लाह के वली होते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है और अल्लाह के दोस्त कौन है जो तखवा इख्तियार करते हैं ईमान वाले होना पहली शर्त वो तखवा इख्तियार करते हैं और हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं ठीक है तो बहरहाल वरना मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह के दोस्त वरना हमारे पास जो सुन्नत की मुखालिफत करता है नमाज कभी नहीं पढ़ता तखवा तो है ही दूर दूर तक उसको वली मानते हैं इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूं ईमान वाला जैसा हाँ है तखवा इख्तियार करने वाला इंसान और सुन्नत के मुताबिक हमाल करने वाला तो बहरहाल अल्लाह फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे एलान जंग करता अब तो अंदाजा लगाइए अल्लाह का जो दोस्त होता है उसको अगर दुनिया में कोई छेड़ता है या उससे दुश्मनी कोई करता है अल्लाह ताला उसके खिलाफ एलान जंग कर देता है कैसे करता है वो जिसने देखा नतीजे उसके समझ में आते हैं अंबियों के साथ जिसने बुरा सलूक किया उनके नतीजे देख लीजिए सहाबा के साथ जिसने बुरा सलूक किया कैसी कैसी मौतें मरे उनकी ज़िंदगी देख लीजिए सलफ सालिन पर जिसने जुल्म किया उनके ज़िंदगी का मुताल करें खास तौर से उनकी मौतें देखें और उसके बाद मासूम मुसलमानों पर जिसने भी जुल्म किया उनकी ज़िंदगी की हालत देखिए आप कहेंगे वाकई में अल्लाह तला कैसा बदला लेता है चूंकि अल्लाह तला जब दुश्मनी लेता है उसके खिलाफ तो वो दुश्मनी वाकई में निभाता भी है समझना बात को हर तरफ से उसको जो है चित कर देता है इस दुनिया की जिंदगी में तो बहरे अल्लाह ताला रहा है जो जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है इसके खिलाफ मैं एलान जंग करता हूँ तो एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ कोई चाल नहीं चलना चाहिए इसलिए कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चाल चलते हैं दर हकीकत अल्लाह हमारे खिलाफ एलान जंग कर देता है फिर होता है ना बहुत सारे लोग नेक लोग खामो खा करते हैं जमीन के मामला में इसमें उसमें खामो एहतियात करना चाहिए आप खतरनाक जोन में जा रहे हैं आपको तकलीफ हो सकती है ठीक है आगे आइए सुनिए अल्लाह ताला फरमाता है और मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरा तक इस चीज के साथ हासिल करता है जिसे मैंने फर्ज किया है अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे तब होता है जब वो मेरी फर्ज करदा चीजों को पूरा करता है अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे सबसे करीब कब आता है जब वो वो चीज करता है जो मैंने उस पर फर्ज किया है तो आप फरमा अल्लाह ताला फरमाए मेरा तकरब मेरा बंदा सबसे ज्यादा हासिल करता है उस चीज़ के जरिए जो मैंने उस पर फर्ज किया है यानी फ़राइज के साथ मेरा तकरब हासिल करना ही मुझसे सबसे ज्यादा मतलब फराइज के जरिए मेरा तकरब हासिल करना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह ऐलान कर रहा है आगे आइए फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है हदीसी खुशी और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा तकरब हासिल करता है फर्ज से सबसे ज्यादा फर्ज से सबसे ज्यादा लेकिन नवाफिल से भी करता है फर्ज के बाद मतलब फर्ज जो अदा करता है उसकी नफिल कबूल होती बात भी याद रखे फिर अल्लाह फरमाता है फिर जब और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा तकरब हासिल करता रहता है यहां तक के मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूं मेरा बंदा खेले तो फर्ज करता है मेरा तकरुब हासिल कर लेता है चूंकि फर्ज से ही मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूं बंदों के ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है फिर मेरा बंदा नफिल पढ़ता है और नफिल पढ़कर मेरा तकरब हासिल करता है इतना तकरब हासिल करता है इतना तकरुब हासिल करता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता हूं नोफिल के जरिए अब आगे सुनिए जरा तो मैं भी उससे मोहब्बत कर लेता हूं फिर जब मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूं फर्ज सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नब ज्यादा करीब बंदा फर्ज से आता है लेकिन फर्ज से जो करीब आने के बाद भी जो नफिल पढ़े वो टॉप मोस्ट चल जाता है बोलने का मतलब ये एक इंसान सिर्फ फर्ज भी कर तो अल्लाह से करीब होता है लेकिन फर्ज के बाद जो नफिल पड़े वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाता है अल्लाह के करीब इतना कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगता है और अल्लाह फरमाता है और जब मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूं तो मैं इसका कान बन जाता हूं जिससे वह सुनता है इस हदीस को गलत माने मत दीजिए कि वाकई में अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर जाता है नहीं मतलब वो वही बातें सुनता है जो मैं चाहता हूं कि वो सुने कोई गलत बात नहीं सुनता है तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है इसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है फरमाया करते थे कि मोमिन की फिरासत उसकी नजरों से बचा करो इसलिए कि मोमिन जो होता है ना उसकी आंखों से चीजों को पहचान लेता है बहुत सारे सलफ के वाकत थे लोगों को चेहरों को उनकी हालात देखकर पहचान लेते थे क्या प्रॉब्लम है इसलिए नहीं कि उनको गायब कहता नौजबिल्ला लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत दे दी थी होता है ना लोग बोलते रहे डॉक्टर हाथ लगा दे तश्स कर लेता है चेहरा देखते उन्होंने पहचान लिया क्या होगा या सवाल करते देखो जवाब वही आया जो सवाल था हालांकि उसमें ये बात नहीं कही गई थी ये सारी चीजें होती है ठीक है तो यहां देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है इसका हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए वो पकड़ता है मतलब वही <quarters> <żeby> <them> मतलब, देखता है जो अल्लाह चाहता है वही सुनता है जो अल्लाह चाहता है वही पकड़ता है जो अल्लाह चाहता है मतलब मोमिन हर वो काम नफिल के जरिए अल्लाह से मोहब्बत हासिल करके अल्लाह उसके रिटर्न में उसको हर वो चीज करवाता है जो उसका रब उससे सिर्फ पसंद करता है इसके अलावा ना कुछ सुनता है ना कुछ देखता है ना कुछ पकड़ता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिसके जरिए वो पकड़ता है और इसका पांव बन जाता हूं जिसके जरिए वो चलता है मतलब मोमिन चलेगा भी तो अब सीधे रास्ते पर चूंकि अब वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा चूंकि नफिल के जरिए वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर चुका है अल्लाह की मोहब्बत जो बंदा हासिल कर लेता है उसका रब का फर्ज उस पर यह होता है कि हर वो काम करता है जो उसका रब चाहता है इसके अलावा वो कुछ नहीं करता तो यहाँ जो है इससे वो चलता है इन तमाम अजा को अपनी इत्यादत में लगा देता है और अगर वो मुझसे सवाल करता है तो वह मैं जरूर भी जरूर उसको अता करता हूँ अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं जरूर भी जरूर उसको अता करता हूं मालूम है जरूर भी जरूर अता करता हूं अगर वो मुझसे सवाल करता है कौन सा बंदा फराइज के बाद नफिल का एहतमाम करके रब से मोहब्बत हासिल कर लेने वाला बंदा देखता है तो वही जो उसका रब चाहता है सुनता है वही जो उसका अच्छा रब चाहता है पकड़ता है वही जो उसका अच्छा रब चाहता है चलता है उसी राह पर जिसका पर रब चाहता है और जब वो मांगता है तो उसका रब उसकी जो है जरूर भी जरूर उसको अता कर देता है और अगर वो मेरी पनाह तलब करे तो मैं यकीन उसको पनाह दे देता हूं और अगर वो मेरी पनाह तलब करता है दुआ में खास दुआ याद रखी पनाह मांगना मुसीबत के वक्त तो अगर वो मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह दे देता हूं अपनी अल्लाह कितने बड़े बड़े फजाइल है नफिल को अदा करने की कितने बड़े बड़े फजाइल है अंदाजा लगाइए है ना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल लेकिन कौन सा है फर्ज है याद रखी फर्ज नमाज माल में फर्ज इबादत जक़त है ना उसके बाद अल्लाह ताला ने रमजान के एक महीने के रोजे उसके बाद हज सबसे ज्यादा महबूब अमल इसके बाद ये करने के बाद बंदा नफिल के अंदर दौड़ता है आगे बढ़ता है फर्ज नमाज के बाद नफिल नमाज फर्ज जक़त के बाद नफली जक़त फर्ज रोजों के बाद नफली रोजे फर्ज हज के बाद नफली उम्रे नफली हज बोलते हैं उसको इसको हज सगीर छोटा हज वो करता है तो अल्लाह से इतना करीब होता है कि अल्लाह मोहब्बत करने लगता है जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है तो वो जो देखता है वो जो उसका रब चाहता है वही सुनता है जो उसका रब चाहता है वही उसके हाथ पकड़ दे उसका रब चाहता है उसी राह पर चलता है कदम चलते हैं जो उसका रब चाहता है और फिर जब अपने रब से मांगता है उसका रब उसको पूरा उसकी दुआओं को पूरा करता है और जब वह पनाह तलब करता है तो अल्लाह ताला उसको पनाह अता कर देता है मैं समझता हूं बहुत बड़े बड़े फजायली बुखारी की रिवायत थी हमें पता चले इसके अंदर कि नफली नमाज के अदा करने से जो होते हैं जिसमें सबसे अहम चीज़ जो पता चली वो ये है कि बंदा अल्लाह से करीब हो जाता है इतना करीब कि हर चीज़ जो उसका रब चाहता है वही वो करता है उससे हट कर ना कोई चीज सुनता है ना देखता है ना पकड़ता है ना उस राह पर चलता है हम में हर चाहता है हम नेक बने और पता नहीं लोगों ने विलायत हासिल करने की कौन कौन से जरिए बना लिए और ये अल्लाह के वली है क्योंकि शुरू में अल्लाह ने क्या कह दिया कि अल्लाह के रसूल रसुलर अल्लाह ताला तरह जो शख्स मेरे मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे एला ने जंग करता हूँ और फिर आगे उसकी बात सिफत दोस्त कौन है फराइज के जरिए नजदीक पहुंचता है नफिल करके अल्लाह का खुरब और मोहब्बत हासिल कर लेता है फिर नफिल हासिल करके फिर वो जो मांगता अल्लाह पूरी कर देता है जब पन्ह मांगता अल्लाह पन्ना दे देता है हम सब चाहते हैं और नेक बने सब खुण खुण हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करें हम सब चाहते हैं कि जब हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह दे दे तो हमें भी फिर अल्लाह ताला को पहले राजी करना अरे दुनिया के अंदर तो पता नहीं कितनी चापलसियाँ लोगों को करना पड़ती है छोटे छोटे काम निकालने के लिए हाँ कितनी चापुलिसियाँ करना पड़ती है अल्लाह ताला आपसे चापलूसी नहीं चाहता इखलास चाहता इखलास चापलूसी में क्या होता है इखलास नहीं होता इखलास चाहता है और इखलास के साथ फर्ज इबादत और नफिल में इजाफा करो अल्लाह ताला हमको देंगे बहुत सी लोग बोलते अरे ये क्या बात हुई क्या बात अल्लाह ताला देंगे तो इसका मतलब ये कि हमको कोशिश ना करें कोशिश करना है लेकिन तुम लाख कोशिश करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हो ना चीजों को लेकिन जब अल्लाह को हम राजी कर लेंगे ना थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी देंगे थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी और इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ आए तो फिर वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है सब्र के साथ इस्तेखामत के साथ डट कर मुकाबला कीजिए दुनिया आखिरत में इससे दर्जात बुलंद होंगे और अजर मिलेंगे समझ रहा है बात ये बात को समझने की ज़रूरत है ये बात को समझने की ज़रूरत है तो अल्लाह से करीब होना है दुनिया में हम काम निकालने के लिए सब कुछ करते हैं लोगों से अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अर्श वाला कर दे दुनिया की सारी मुसीबत मुश्किलें परेशानी हल और मौत की और मौत के बाद की और आखिरत की वो तमाम चीज़ें तो फिर हम जो है आसमान वाले को राज़ी कर ले हो सकता दुनिया वाले नाराज़ हो जाए इससे कोई मसला नहीं लेकिन अल्लाह राज़ी हो जाए लेकिन हमारा मामला यह है कि हम अल्लाह को नाराज़ करना चाहते हैं और दुनिया वालों को राजी करना चाहते तो अल्लाह ताला भी फिर इन्हीं के सामने हमको झुकाता रहता है तो अल्लाह के नेक बंदों की सिफत आ गई फराइज का अहतमाम कीजिए फरायज के नफिल में इजाफा कीजिए देखिए अल्लाह त हम दोस्त बन जाते फिर याद रख दो बन जाते है। ठीक है तो इसकी हम कोशिश करें कि नवाफिल को हम ज्यादा ज्यादा करें